हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो सेल इंजरी की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, उसमें हमने सेल इंजरी को पढ़ लिया था। उसके बाद हमने सेल इंजरी के बाद हमने नेक्रोसिस को पढ़ लिया था, और नेक्रोसिस के बाद जो उसका अगला पार्ट है वो है आज गैंग्रीन। तो आज हमें गैंग्रीन के बारे में जानना है, ठीक है। तो हमने नेक्रोसिस बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, और उससे पहले हम सेल जो इंजरी थी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैंग्रीन। तो गैंग्रीन क्या है? तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था नेक्रोसिस के बारे में। तो नेक्रोसिस क्या था? हमने पढ़ा था कि नेक्रोसिस क्या होता है कि जब सेल की डेथ हो जाती है, और सेल की डेथ होने के बाद क्या होता है, उसकी जो बॉडी होती है, जो सेल की डेथ हो गई उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बेस पे हमने उसको 5 पार्ट में डिवाइड भी किया था कि कितने टाइप की नेक्रोसिस होती है। यानी कि सेल की डेथ हुई है, और सेल की डेथ होने के साथ साथ यदि उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस किसे बोलते हैं? सेल की डेथ हो जाए, और सेल की डेथ होने के साथ साथ किस वजह से सेल की डेथ होती है? पैथोलॉजिकली। नॉर्मल अपने नॉर्मली उसकी डेथ नहीं हो रही है, पैथोलॉजिकली उसकी डेथ हो जाए और उसके साथ साथ उसमें इन्फ्लामेशन आ जाए, तो उसको हम बोलते थे नेक्रोसिस। लेकिन जो हमारे गैंग्रीन है, गैंग्रीन जो है उसके आगे का एक आगे की एक और स्टेज है, जो अगली जो उसकी स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं गैंग्रीन। तो गैंग्रीन की अगर हम डेफिनेशन कहें तो गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन है कि अगर नेक्रोसिस हो गया कहीं पे। नेक्रोसिस क्यों होता है? मैंने बताया था किसी भी अगर कोई टिश्यू है या सेल है उसमें अगर क्या होगा, इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया यानी कि उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाए, इस्चीमिया होगा, फिर वहाँ क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, और उसके बाद क्या होगी, यहाँ पे सेल डेथ होगी। सेल डेथ किसके साथ होगी? प्लस इन्फ्लामेशन के साथ होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम नेक्रोसिस। लेकिन अगर नेक्रोसिस के साथ साथ बाद में क्या हो जाए, उसमें प्यूट्रीफैक्शन होने लगे। क्या होने लगे? प्यूट्रीफैक्शन यानी कि बोलते हैं हम सड़ना। जो सेल, जो भी हमारा जो पार्ट है, हमारा ऑर्गन है, उसमें नेक्रोसिस हुआ। नेक्रोसिस होने के बाद अगर वो पार्ट सड़ने लग जाए, प्यूट्रीफैक्शन हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो और इन्फेक्शन के बाद वो सड़ना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे गैंग्रीन। गैंग्रीन की क्या डेफिनेशन होगी? कि नेक्रोसिस के साथ साथ प्यूट्रीफैक्शन स्टार्ट हो जाए, नेक्रोसिस के साथ साथ ऑर्गन का सड़ना स्टार्ट हो जाना गैंग्रीन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के साथ प्यूट्रीफैक्शन, और प्यूट्रीफैक्शन का मतलब होता है सड़ना, वो पार्ट सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और सड़ेगा क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, वो पार्ट हमारा गलना या सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे गैंग्रीन। क्या बोलेंगे उसको? हम बोलेंगे गैंग्रीन। ठीक है, अब ये तो रही हमारी गैंग्रीन की डेफिनेशन। अब है आगे हमारा के टाइप। तो गैंग्रीन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया? तो गैंग्रीन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। मेन टाइप 2 होते हैं इसमें, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन, और थर्ड एक होता है गैस गैंग्रीन। एक है हमारा ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन का मतलब है कोई हमारा ऑर्गन या कोई पार्ट है सड़ा, और वो सड़ने के बाद क्या है, ड्राई है, सूखा है, उसमें कोई भी लिक्विड नहीं है, तो उसको बोलेंगे ड्राई गैंग्रीन। लेकिन अगर जो पार्ट सड़ गया हमारा, वो उसमें लिक्विड है, लिक्विफाइड है, वो गीला है पार्ट वो, ठीक है, उसमें ब्लड सप्लाई थोड़ा बहुत है, तो उसको बोलेंगे हम वेट गैंग्रीन। फिर होता है तीसरा गैस गैंग्रीन, ये भी एक वेट गैंग्रीन का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, किसको? गैंग्रीन को, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। ठीक है, गैंग्रीन क्या था? नेक्रोसिस विद प्यूट्रीफैक्शन। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं इसके बाद। अब पहला जो उसका पार्ट है उसको हम जान लेते हैं। आज क्या है, हम गैंग्रीन के साथ जो गैंग्रीन का फर्स्ट पार्ट है ड्राई गैंग्रीन, उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसके जो 2 पार्ट है, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन, उसको हम नेक्स्ट इसका एक पार्ट बना देंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ड्राई गैंग्रीन क्या है इसमें? तो ड्राई गैंग्रीन क्या होता है? ये एक कोगुलेटिव नेक्रोसिस का ही टाइप होता है। मतलब ये सिर्फ हमने नेक्रोसिस के 5 टाइप पढ़े थे, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है, केसियस नेक्रोसिस, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो जो कोगुलेटिव टाइप का नेक्रोसिस होता है, पहले कोगुलेटिव टाइप का नेक्रोसिस हुआ, उसके बाद वो कोगुलेटिव टाइप का जो नेक्रोसिस वाला पार्ट है वो प्यूट्रीफाई हो गया, नहीं सड़ने लग गया, तो उसको हम बोलेंगे, तो वो कन्वर्ट होता है किसमें? ड्राई गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ड्राई गैंग्रीन में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जो ड्राई गैंग्रीन है या कोई भी गैंग्रीन है, वो देखने को किसमें मिलेगा? ड्राई गैंग्रीन ज़्यादातर देखने किसमें मिलता है? जो हमारा डिस्टल पार्ट होता है। डिस्टल पार्ट यानी कि ये हमारी जैसे बॉडी है, ये बॉडी है हमारी, और ये हमारा मिडिल पार्ट है जहाँ हार्ट है। तो जो मिडिल पार्ट से जो दूर वाले पार्ट होंगे उसको बोलते हैं हम डिस्टल पार्ट, और जो
इनसाइड होते हैं, मिडिल के जितना करीब होगा उसको बोलेंगे हम प्रॉक्सिमल पार्ट। तो देखने को कहाँ मिलेगा गैंग्रीन, कहाँ होता है, डिस्टल पार्ट में देखने को मिलता है। जैसे कि जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, जैसे कि हमारे पैर के टोज हो गए, फिंगर्स हो गई नीचे की, ये फिंगर्स हो गई पैरों की या हाथ की हम कह सकते हैं, तो फिंगर्स के जो लास्ट वाले पेरीफेरी वाला जो पार्ट होता है उसमें देखने को मिलेगी हमें गैंग्रीन। और क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल डेथ वही कब होती है, मैंने बताया सेल डेथ कब होगी, जब इश्चीमिया होगा या हाइपोक्सिया होगा। तो इश्चीमिया क्यों लास्ट वाले पार्ट में क्यों होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई जितना दूर हमारा पार्ट है उसमें ब्लड सप्लाई उतनी ही क्या होगी, कम होगी, ब्लड उतना ही वहाँ पे कम पहुँचेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो हमारे डिस्टल पार्ट्स होते हैं लिम्स होते हैं उसमें क्या होता है, ड्राई गैंग्रीन ज़्यादातर देखने को मिलता है, ज़्यादातर हमारे पैर में देखने को मिलेगा, आगे वाले फिंगर्स में या हैंड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब इसका कॉज क्या है, ठीक है, कॉज इसके क्या कॉज है, ड्राई गैंग्रीन का क्या कॉज हो सकता है, ठीक है। कॉज हमें देखना है इसमें, तो पहला कॉज है इसमें एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, क्या जमा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अगर कोई जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा फैटी फूड ले रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयल कंजप करता है, तो उसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, उसकी आर्टरीज में जमा होने लग जाता है। जमा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, ब्लड क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे जो डिस्टल पार्ट होते हैं हमारे जो पेरीफेरी में, जैसे फिंगर हो गई, ये डिस्टल जो पार्ट होते हैं या हमारे लेग्स की साइड में जो फिंगर्स होंगे उसमें क्या होगा, जो आर्टरीज होती हैं एंड में, जो एंड में आर्टरीज होंगी वो थोड़ा नैरो हो जाती है, जैसे कि मिडिल से स्टार्ट होगी थोड़ा सा बड़ी है, लास्ट में क्या होगी, नैरो हो जाएगी। तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है, नैरो वाले पार्ट में जाके फंस जाता है, ठीक है, यहाँ पे आके ये ब्लॉक हो गया। अब वो ब्लॉक हो गया तो पीछे से क्या होगा, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। तो जब ब्लड सप्लाई वहाँ पर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मैंने सेल जो है हमारी, ये हमारी सेल है, इसको क्या होगा, क्या होगा, इसको O2 नहीं मिलेगी फिर, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से फिर ये क्या होगा, इसकी डेथ होने लगेगी। डेथ होगी कोगुलेटिव टाइप के नेक्रोसिस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस टाइप में कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, ये इसमें फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर प्यूट्रीफेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल का आर्टरी में ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होगा तो क्या होगा, नैरोइंग किसकी, नैरोइंग हो जाएगी आर्टरी की, आर्टरी इसमें नैरो हो जाएगी, आर्टरी नैरो हो जाएगी, तो आर्टरी नैरो हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई, लो ब्लड सप्लाई होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। और जब ब्लड सप्लाई लो होगा तो आपको पता है क्या होगा, इश्चीमिया हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इश्चीमिया होगा तो फिर हाइपोक्सिया हो गया यहाँ पे, और हाइपोक्सिया जैसे होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सेल डेथ होगी, सेल डेथ के बाद क्या होगा, ये नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेक्रोसिस के बाद क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैंग्रीन में हो जाएगा, गैंग्रीन में कन्वर्ट। तो ये हमारा इस तरीके से एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हमारा गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये था इसका पहला रीज़न। अब उसका दूसरा रीज़न है, एक होती है डिजीज़ बर्जर डिजीज़, इसको बोलते हैं बर्जर डिजीज, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बर्जर डिजीज क्या होती है, एक इस डिजीज में क्या होता है कि इसमें भी हमारी जो आर्टरीज होती हैं हमारी पेरीफेरी की, वो श्रिंक हो जाती है, क्या हो जाती है, आर्टरी क्या कर जाती है, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाती हैं, इसके वजह से ब्लड सप्लाई कम होता है। अब ये आर्टरी क्यों श्रिंक होती हैं, बर्जर डिजीज में क्या होता है, जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, जो बहुत सालों से 10 साल से 15 साल से क्या होते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, ठीक है। तो जब वो लोग बहुत टाइम से स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, आर्टरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा उससे क्या हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। तो जैसे ही वो स्मोकिंग करेंगे तो आर्टरी एकदम सेंसिटिव होती है उसकी वजह से, और सेंसिटिव होकर एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो उसके वजह से अब आर्टरी तो सिकुड़ेगी, तो जो हमारी पेरीफेरी में आर्टरी वैसी बहुत छोटी है तो वो सिकुड़ेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई ब्लॉक होगी, और ब्लड सप्लाई जब ब्लॉक होगी तो फिर यही प्रोसीजर होगा, इसमें नैरोइंग आर्टरी, लो ब्लड सप्लाई एंड इश्चीमिया, हाइपोक्सिया, सेल डेथ, नेक्रोसिस और गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बर्जर डिजीज़ जो है वो भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। तीसरा रीज़न है इसमें रेनॉल्ड डिजीज़,
एक डिजीज़ होती है रेनॉल्ड डिजीज़। इस डिजीज़ में क्या होता है कि कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद उनकी बॉडी एकदम सेंसिटिव होती है और उसके वजह से भी आर्टरी श्रिंक हो जाती है। कुछ में ऐसा होता है कि गर्मी से भी होता है और सर्दी से भी होता है, ठंड बढ़ी टेम्परेचर लो हुआ तब भी उनकी सेंसिटिव हो जाएगा और एकदम से आर्टरी श्रिंक कर जाती है, ठीक है। तो उसके वजह से जब वो श्रिंक होगी तो फिर वही प्रोसीजर होगा जो प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ बताया, तो उसके वजह से भी फिर गैंग्रीन डेवलप होगा। फिर है इसमें हमारा डी थर्ड जो है हमारा चौथा जो जिसका रीज़न है वो है एरोगोट पॉइजनिंग, ठीक है। ये एरोगोट क्या होता है एक, ठीक है, केमिकल है ये क्या करता है जैसे अगर ऑर्गन पे गिरा किसी पे तो वहाँ क्या करेगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी कि आर्टरी को नैरो कर देता है, पतला कर देता है। तो आर्टरी जैसी पतली हो जाएगी यहाँ पे तो उसके वजह से क्या होगा यहाँ पे एरोगोट जो पॉइजनिंग है इसमें जब केमिकल गिरेगा तो आर्टरी क्या होगी हमारी श्रिंक हो जाएगी। तो श्रिंक करने की वजह से क्या होगा फिर वही जो क्या होगी आर्टरी नैरो होगी, नैरो होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम होगी, फिर हाइपोक्सिया एस्कीमिया होगा वहाँ पे और उसके वजह से क्या होगा फिर वहाँ पे सेल डेथ, फिर नेक्रोसिस गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके पढ़ लेते हैं, ये तो हमारे इसके कॉज थे, अब हम पढ़ लेते हैं इसकी मार्फोलॉजी, यानी कि जो हमारा जो जिस पार्ट में हमारे ड्राई नेक्रोसिस हो रहा है या ड्राई गैंग्रीन हो रहा है सॉरी, तो वो हमारा पार्ट कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ड्राई गैंग्रीन है तो उसमें हमें ये पहला पार्ट क्या दिखाई देगा, ड्राई दिखाई देगा, ठीक है। अब ड्राई क्यों दिखाई देगा इसका एक रीज़न है इसमें, मान लीजिए मैंने यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया कि फिंगर में हो गया, ये हमारा नेल्स है और ये हमारी आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी से ब्लड आता है हार्ट से और वेन से वापस चले जाता है, आर्टरी है ये वेन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा ड्राई गैंग्रीन में हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, क्या हो जाती है आर्टरी ब्लॉक होती है इसमें, आर्टरी ब्लॉक होती है। तो आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है ब्लड सप्लाई ऑर्गन तक नहीं जा पाती, मान लीजिए इतने ऑर्गन तक ही ये सप्लाई पहुँच रही है और इससे आगे नहीं जा रही है, तो ये एरिया क्या होगा ब्लड ना मिलने की वजह से क्या होगा सूखने लग जाएगा, क्या हो जाएगा ड्राई होने लगेगा। तो ड्राई होने का रीज़न ये है, जबकि वेट गैंग्रीन में क्या होता है आर्टरी ब्लॉक नहीं होती है, हमारी वेन ब्लॉक हो जाती है, तो उस कंडीशन में ब्लड पहुंच जाता है लेकिन वापस नहीं जा पाता, ठीक है। तो ड्राई होने का क्या रीज़न है ये हमारा पार्ट है, क्या हो जाएगा हमारा इसमें ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो उसकी वजह से वो ड्राई हो जाएगा और ड्राई होकर फिर ये पार्ट क्या होगा हमारा यहाँ पे इसमें गैंग्रीन होने लगेगा, सड़ने लगेगा। ये जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से जो उसका पेशेंट के फिंगर्स हैं वो सड़ने लगे हैं, ठीक है, इस तरीके से सड़ने लगे हैं। फिर क्या होगा इसमें जब ये पार्ट बहुत ज़्यादा सड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा एम्पुटेशन हो जाता है। ये पार्ट क्या होता है इतना जिस एरिया में ब्लड सप्लाई, इसमें क्या होगा एक हमें एक मार्जिन दिखाई देता है, क्या दिखाई देगा मार्जिन दिखाई देगा आपको, एक पूरा जैसे फिंगर है इसमें एक पूरा लाइन सीधी लाइन दिखाई देगी कि हाँ इतने पीछे वाले एरिया में ब्लड सप्लाई हो रही है लेकिन आगे वाले में नहीं हो रही है, पूरा एकदम उसका मार्जिन दिखेगा, जबकि वेट गैंग्रीन में ऐसा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है वो ब्लैक दिखाई दे रहा है तो हमारा क्या है ड्राई गैंग्रीन है, तो इसमें एक मार्जिन दिखाई देगा। फिर जब ज़्यादा सड़ जाएगा तो फिर ये कट होकर अलग हो जाएगा अगला पार्ट, क्या गया यानी क्या होगा इसमें एम्पुटेशन हो जाएगा, ऑर्गन के कट करने को या ऑर्गन के कट करके निकालने को क्या बोलते हैं एम्पुटेशन कहते हैं, तो इसमें सेल्फ एम्पुटेशन होगा, खुद ही अपने आप हो कट होकर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा मार्फोलॉजी का पहला पार्ट यानी कि ड्राई। फिर है श्रिंकेज, श्रिंक होने लगेगा पार्ट, सिकुड़ने लगेगा क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई हो नहीं रही है, उसके वजह से क्या होगा श्रिंक होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। इसको हम बोलते हैं इसका जो पार्ट है उसका बोलते हैं मम्मीफिकेशन होने लगेगा। मम्मी जैसे इजिप्ट में होते हैं उसमें क्या करते थे, वो इजिप्ट के लोग जो मम्मीज होती थी डेड बॉडी होती थी उसमें केमिकल लगा के उसे रख दिया करते थे, उससे क्या होता था वो सिकुड़ने जो बॉडी है सूख जाती थी, ब्लैक हो जाती थी, तो उसी के बेस पे इसका नाम इसको बोलते हैं कि इसका मम्मीफिकेशन हो जाता है, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट जो हमें दिखाई देगा इसमें वो दिखाई देगा डार्क ब्लैक दिखेगा, क्या दिखेगा जैसे कि आपको स्क्रीन में देखिए कितना आगे से पूरा आगे से डार्क ब्लैक हो चुका है वाला पार्ट। तो डार्क ब्लैक होने का इसका क्या रीज़न है, इसका क्या रीज़न है डार्क ब्लैक होने का मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई बंद हो चुकी है लेकिन थोड़ा बहुत जो पहले इसमें ब्लड गया था उसमें RBC तो होगी, और RBC फिर क्या होगी इसमें डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, और RBC से क्या निकलेगा हमारा HB निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा आर्मी से HB निकलेगा, और HB के अंदर होता है आयरन, तो यहाँ से आयरन मिलेगा, और यहाँ पे प्यूट्रिफिकेशन हो रहा है यानी कि सड़ रहा है, किस वजह से इन्फेक्शन की वजह से। तो जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया क्या बनाता है, बैक्टीरिया बनाता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करता रहता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है और आयरन ये मिलकर बनाते हैं आयरन सल्फाइड, क्या बनाते हैं आयरन
सल्फाइड FeS का ये फॉर्मेशन करते हैं। तो इस आयरन सल्फाइड के वजह से क्या होता है, ये पार्ट क्या होता है हमारा, क्या होता है, डार्क ब्लैक हो जाता है, काले कलर का हो जाता है। कोई क्वेश्चन आता है कि डार्क ब्लैक क्यों होता है, तो किस वजह से होता है, आयरन सल्फाइड की वजह से होता है। आयरन मिलेगा हीमोग्लोबिन से और सल्फाइड क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड से जो हमारा बैक्टीरिया बना रहा है उससे मिलेगा। तो जो हमारा गैंग्रीन था, गैंग्रीन का बेसिक्स क्या था, वो हमारा फिनिश हो गया। गैंग्रीन का जो हमारे टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसमें से जो पहला टाइप है जो ड्राई गैंग्रीन है, जो पहला पार्ट उसका, वो हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ज़्यादा बोरिंग ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो दो पार्ट है उसको इसका नेक्स्ट पार्ट बना देंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं मेडिकल स्टूडेंट हों अगर, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।